बीपीएससी की 67वीं पीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इस पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया गया। अब इस प्रश्न पत्र लीक होने की घटना के बाद बीपीएससी ने इससे सबक लिया है और आगे होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय भी लिया है। आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी कि सीडीपीओ की परीक्षा बिहार में 15 मई को आयोजित होने वाली थी, जिसे बदल करके 21 मई कर दिया गया है और एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है। निर्णय ये लिया गया है कि अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले तक ही परीक्षार्थियों की एंट्री ली जाएगी। 11:45 तक परीक्षार्थियों की एंट्री ली जाएगी, उसके बाद ये एंट्री बंद कर दी जाएगी और फिर किसी भी स्थिति में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उन परीक्षार्थियों की एंट्री 11:45 के बाद नहीं होगी। ये सुधार इसीलिए किया गया है क्योंकि जब बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम के बाद भी कई परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश मिल गया था और वो सभी ये जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था वो क्वेश्चन देख करके पहले से आए थे, इसीलिए बीपीएससी ने इस परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार किया है और आने वाली परीक्षाओं को लेकर के अब बीपीएससी सजग हो गई है। इसीलिए अब टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो सीडीपीओ की परीक्षा होने वाली है ये दोपहर में 12 बजे से शुरू होकर के 2 बजे तक होगी, जो कि एक पाली में ही होगी। इसीलिए अब इसमें बड़ा सुधार किया गया है, बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब परीक्षार्थियों को एंट्री 11:45 तक ही मिलेगी। निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर परीक्षा 12 बजे शुरू होगी तो परीक्षार्थियों को 11:45 तक ही केंद्र के अंदर प्रवेश मिलेगा। सोमवार को आयोग के चेयरमैन आरके महाजन की अध्यक्षता में 15 मई को होने वाली सीडीपीओ परीक्षा से जुड़े जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक में इस बात की जानकारी दी। सीडीपीओ परीक्षा 21 मई को होगी। बैठक के परीक्षा संचालन को लेकर के विशेष निर्देश दिए गए हैं। ये परीक्षा एक पाली में दोपहर 12:02 तक होनी है। इसमें सुबह 11:45 तक ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी और ये तैयारियां भी पूरी हो गई है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि प्रवेश के लिए परीक्षार्थियों को अधिक समय दे दिया गया है। अब परीक्षा शुरू होने से पहले 1.5 घंटा पहले परीक्षार्थी सेंटर के अंदर प्रवेश कर सकेंगे, पहले ये 1 घंटा हुआ करता था। गौरतलब हो कि बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो जाने के बाद आयोग काफी गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि अब जो भी परीक्षार्थी है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पहले तक एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले पहुंच सकते हैं, 15 मिनट के बाद उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि परीक्षा 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलेगी, 11:45 तक ही उनकी एंट्री हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।